गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है आईटी अवेयरनेस प्रोग्राम का, आज क्लास थर्ड है। और जैसा कि मैंने पहले पिछले क्लास में बताया था आपको कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो आज हम फिर से आपको एक वही बात रिपीट करेंगे जो पिछले क्लास में रिपीट किया था हमने, कि अभी भी हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक स्टार्ट है, चालू है, और आप इसमें जाकर आईटी अवेयरनेस प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं। आई स्पेशली थैंक टू द गुरुकुल ओनर मिस्टर दीपक सपड़ा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आपको मैं टीच कर सकूँ, वो भी ऑनलाइन। सो दीपक सपड़ा जी, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट्स को, प्लीज़ कॉन्टैक्ट दीपक सपड़ा सर, क्योंकि उनका नंबर मैं रेगुलर हर वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप प्लीज़ वहाँ से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका ईमेल आईडी है, इवन मैं अपना भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकें। सो आज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का थर्ड पार्ट है। तो कल जो पिछला पार्ट था हमारा, वो हमने आपको जो पिछला पार्ट था हमारा वो क्या था, वो हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है। तो आज हम थोड़ा सा नेट का इस्तेमाल करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आईपीओ साइकिल क्या होता है कंप्यूटर में, टाइप्स ऑफ मॉनिटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कितने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं कि अपना नेट कनेक्ट करते हैं। नेट कनेक्टिंग हो गया, नाउ नेट कनेक्टेड, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, जब भी आप नेट सर्व करो, आप नेट दो तरह से सर्व कर सकते हो, या तो आप रेगुलर नेट सर्व कर सकते हो, या फिर आप इक्विगिंटो मोड में, अगर कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा सर्च कर रहे हो तो आप इस मोड में भी सर्च कर सकते हो। तो ये सारे हमारे इंटरनेट के पार्ट्स के हैं, तो ये सारा चीज़ हम बताएंगे इंटरनेट जब पढ़ाएंगे। तो आप इंटरनेट जब हम पढ़ाएंगे तो उस वक्त मैं आपको वेब ब्राउज़र बताऊंगा, वेबसाइट्स बताऊंगा, ये वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। वेब सर्वर दूसरा चीज़ होता है और वेब ब्राउज़र डिफरेंट होता है। गूगल क्रोम आपको ब्राउज़र है, ठीक है, और गूगल डॉट कॉम ये सर्वर है जहाँ से आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये अभी जो मैं मोड बता रहा हूँ ये इक्विगिंटो मोड है। यहाँ पे आप जो भी सर्च करते हो ये आपके हिस्ट्री में नहीं आता, जबकि वेयर एज आप यहाँ अगर कुछ सर्च करते हो तो कंट्रोल प्लस एच दबा के देखो तो आपका हिस्ट्री जो भी आपने जैसे अभी मैंने google.com खोला है आज के डेट में, तो आज के डेट में 10:02 पे आपको google.com यहाँ पे खुला हुआ मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे अभी आगे चलते हैं। हमें क्या बताना था आपको, टाइप्स ऑफ मॉनिटर। बेसिकली जो मॉनिटर हैं वो आपको CRT, LED, LCD मॉनिटर्स हैं, ठीक है। ये तीन मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों मॉनिटर्स को मैं आपको दिखाता हूँ। कैथोड रे ट्यूब का, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स इमेज, ठीक है। ये कैथोड रे ट्यूब जो होते हैं ये टीवी टाइप के मॉनिटर्स होते हैं। ये देखिए, ये जो है टीवी टाइप के मॉनिटर्स थे जो कि बहुत पुराने मॉनिटर्स हैं। आपको ये पहले देखने के लिए मिलता था, अभी रिसेंट में आपको LCD देखने के लिए मिला होगा, उसके बाद आपको LED भी देखने को मिला होगा, ठीक है। ये आपको कैथोड रे ट्यूब्स मॉनिटर हैं। इसमें क्या होता है कि कैथोड रे पास होता है, और अगर कैथोड रे जिस मटेरियल से पास होता है, अगर वो मटेरियल ख़राब हो जाता था तो ये मॉनिटर में आपको डिस्प्ले नहीं आता था, ठीक है। तो ये आपको मॉनिटर के पीछे का भी पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको, ठीक है। ये मॉनिटर के पीछे का पार्ट है। एक्चुअली ये हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअली यूट्यूब पे बताया हुआ है। तो यूट्यूब का ये एक फोटो है, तो मैं यहाँ ये फट रहा है इस वक्त इमेज, अगर ऐसा कोई इमेज मुझे मिलता है तो मैं नेक्स्ट क्लास ज़रूर दिखाऊंगा सेम टाइप का,
जिसमें आपको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, अब इसमें आप ये देखो कि इसके अंदर जो होता है फॉस्फोरस होता है सीआरटी मॉनिटर में। ठीक है, अब ये आपको इसका जो इंचेस हम लोग नापते थे वो डायगनली कितना है उसके हिसाब से हम लोग इंचेस नापते थे। जो सबसे बड़ा इंचेस सीआरटी में आया था वो 22 इंच का आया था सीआरटी मॉनिटर्स में। टीवी भी आपको 22 इंच का टीवी आया था। इसमें आपको इंचेस दो तरह के सीआरटी फिर आए थे, पहले एक ओवल आया था, उसके बाद फिर एक स्क्वायर आया था। सबसे पुराना जो सीआरटी था वो ओवल टाइप में था। ये जो है आपको ओवल टाइप का सीआरटी है जो इस वक्त आप इस आइकन को देख रहे हैं, इसमें आप देखिए यहाँ से ओवल किया हुआ है। जबकि आप सेम यहाँ ये स्क्वायर वाला सीआरटी फिर आया था मार्केट में, ये आपको फिर ट्रेंड चला था इसका। उसके बाद आपको कैथोड रे ट्यूब के बाद आपको एलसीडी मॉनिटर्स का आपका क्रेज आया था। एलसीडी मॉनिटर्स जस्ट ये जिसको आप देख रहे हैं ये आपको एलसीडी मॉनिटर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप स्क्रीन पतला हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है एलसीडी लाइट को एलसीडी पे डिस्प्ले करवाया जाता है। ठीक है, लाइट को एलसीडी ये आपको लाइट को एलसीडी पे डिस्प्ले कराया जाता है। सॉरी, हाँ ये देखिए एलसीडी इसका बहुत बड़ा बड़ा आपको मिला होगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग एलसीडी मॉनिटर्स और एलईडी मॉनिटर्स को किस तरह से क्लैरिफाई कर सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा चीज आपको एलसीडी मॉनिटर देखने के लिए अगर आप साइड से देखोगे ना एलसीडी मॉनिटर्स में, तो क्या होगा कि आपको विजन जो होगा आपका ब्लर होगा। वेयर एज एलईडी मॉनिटर्स में आपका विजन ब्लर नहीं होता है। एलसीडी मॉनिटर्स में रेज जो बाहर निकलते हैं वो बहुत ज्यादा निकलते हैं और जिस जो कि हार्मफुल है, उसी को फिर लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स ने कवर कर लिया। एलसीडी और एलईडी मॉनिटर्स का शेप और साइज सेम है, इसमें किसी तरह का भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। आपको एलसीडी और एलईडी में एक ही तरह का दिखेगा। हाँ, लेकिन बस इसमें अंतर इतना रहता है कि एलसीडी मॉनिटर्स में आपको एक परत दिया जाता है और एलसीडी मॉनिटर को ही एलईडी बनाया जाता है, जिसके अंदर आपको एक और हम लोग फिल्टर लगा देते हैं, रे का फिल्टर, जिससे कि जो आपका ब्लू रेज है, हार्मफुल ब्लू रेज है, उसको हम रोक सके। तो और हार्मफुल ब्लू रेज को हम लोग रोक लेते हैं उसके वजह से, तो वो हमारा लाइट इसमें हम लोग एलईडी ही यूज करते हैं। दोनों में, एलसीडी में भी हम एलईडी ही यूज करते हैं, और एलसीडी और एलईडी दोनों में एलईडी ही का इस्तेमाल होता है। लेकिन बस उसमें जो हम लोग फिल्टर लगाते हैं वो डबल फिल्टर हम लोग लगा देते हैं एलईडी में, और एलसीडी में एक ही फिल्टर रहता है। तो अभी जो हमारा मॉनिटर का ट्रेंड चल रहा है वो एलईडी मॉनिटर का ट्रेंड है। ठीक है, ये हमारा एलईडी मॉनिटर का ट्रेंड है। अब ये मॉनिटर्स के बाद हम आपको कीबोर्ड्स, बेसिकली जो आपको कीबोर्ड्स हैं वो कीबोर्ड्स इमेज मैं आपको दिखाऊं इस वक्त। ठीक है, ये आपको कीबोर्ड्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं। आपका एक जो कीबोर्ड होता है स्पेशली फॉर टाइपिंग के लिए होता है, तो जो कीबोर्ड आपको टाइपिंग के लिए होता है उस कीबोर्ड को हम लोग एग्रेसिव कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, वो आपको स्पेशल कीबोर्ड होता है फॉर टाइपिंग। मैं इसको आपको ठीक है, टाइपिंग कीबोर्ड्स ठीक है, ये आपको मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूं आप लोगों को अच्छा दिखे इसलिए। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। ओके, पहला जो कीबोर्ड का टाइप है वो हम बता दूं, मैं आपको बताता हूं। इस वक्त जो पहला टाइप ऑफ कीबोर्ड है इसको एग्रेसिव कीबोर्ड्स कहते हैं, जो कि टाइपिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको।
दूसरा जो कीबोर्ड है उसको हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स कहते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में आपको क्या होता है स्पेशली कि आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपको अलग से दे दिया जाता है प्ले का बटन, ऑफ बटन। मैं आपको यहाँ पे इमेज शो करता हूँ मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स की। यस, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, यस ये रहा। मल्टी, ये देखिए यहाँ पे जो आपको अलग से ये दिख रहा है, इसमें तीन चार बटन ऊपर में दिया है, ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स है। इवन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा ये वाला पोर्शंस। तो ये सारे जो हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स हैं इस वक्त जो आपको अलग से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं और बड़ा करके आपको शो करूं तो ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, ये आपको होम बटन, मेल बटन, प्ले, पॉज, स्टॉप, रिवर्स, फॉरवर्ड, म्यूट, वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम, डिक्रीज वॉल्यूम, म्यूट बटन, नाइट मोड, ये सारा जो अलग से बटन मिल जाते हैं आजकल, ये सारे बटन आपको इसमें भी मिल रहे हैं, क्या कहते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड्स में भी मिल रहे हैं। तो ये जो बटन है, लेकिन उसके लिए आपको FN फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये जो बटन इंडिविजुअली जब आप दबा रहे हैं तो दिस कीबोर्ड्स आर कॉल्ड व्हाट, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स। हाँ, तो अभी हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड दिखाएं। आगे हमारे पास आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड के बाद है हमारा आपको बैकलिट कीबोर्ड्स। ठीक है, बैकलिट कीबोर्ड्स एंड मैकेनिकल कीबोर्ड्स, लेट्स सर्च द इमेज ऑफ बैकलिट कीबोर्ड्स एंड व्हाट हमारे पास बैकलिट कीबोर्ड का भी इमेज गूगल पे अवेलेबल होगा। बैकलिट कीबोर्ड्स इमेजेस, ये देखिए ये जो कीबोर्ड्स है बैकलिट कीबोर्ड्स होता है, जो कि नॉर्मली आपको लैपटॉप्स में लगता है। इसके पीछे आपको लाइट जलता हुआ दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन का ले लो। ये गेमिंग में इस कीबोर्ड्स का इस्तेमाल होता है, गेमिंग कीबोर्ड्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग गेमिंग कीबोर्ड्स भी कहते हैं। ये जितने भी आप कीबोर्ड्स इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है, ये सारा बैकलिट कीबोर्ड्स हैं। ठीक है, और उसके बाद बैकलिट कीबोर्ड्स के बाद आप नाम से ही समझिए, बैकलिट कीबोर्ड्स वैसा कीबोर्ड्स है जो जिसके पीछे आपको लाइट्स लगाओ, वो कीबोर्ड्स हम लोग गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमारा है मैकेनिकल कीबोर्ड, द लास्ट कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड्स, इंटर। अब मैकेनिकल कीबोर्ड्स मैं आपको शो करूं तो मैकेनिकल ये जो बम्पिंग वाला कीज वाला जो कीबोर्ड्स होते हैं, ये कीबोर्ड्स हमारे मैकेनिक जो कि पुराने जमाने में देखे जाते थे, आजकल ये इस टाइप के अब कीबोर्ड्स नहीं मिलते हैं, ये आपको मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं। ठीक है, और एर्गोनिक कीबोर्ड तो मैंने बताया कि आपका स्ट्रेन के लिए कम करने के लिए टाइपिंग का। तो ये बैकलिट की सॉरी मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं, इनको हम लोग मैकेनिकल कीबोर्ड्स कहते हैं। ये जो बम्पिंग वाला कीबोर्ड्स है, ये सारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स हैं, ये सारे क्या हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड्स हैं। नाउ अब जो कीबोर्ड्स हैं, वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कीबोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कनेक्शन। कनेक्शन के बेसिस पे दो तरह के कीबोर्ड्स होते हैं, एक यूएसबी कीबोर्ड्स होता है और दूसरा वायरलेस कीबोर्ड होता है। ठीक है, ये दो तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। यूएसबी कीबोर्ड्स आप नाम से ही समझ लो कि ऐसा कीबोर्ड जिसमें कि आप जिसको वायर्ड कनेक्शन कहते हैं, आप यूएसबी कीबोर्ड्स, और एक और तरह का कीबोर्ड होता है जिसको हम लोग PS/2 कनेक्शन कीबोर्ड भी कहते हैं, PS/2 कनेक्शन कीबोर्ड। ठीक है, अब ये जो PS/2 कनेक्शन कीबोर्ड्स होते हैं, ये दोनों वायर्ड कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, और वायरलेस कीबोर्ड में रिसीवर वर्क करता है, जबकि PS/2 और यूएसबी में दिखा दूं आपको, यूएसबी में आपको 4 पिन्स होते हैं, PS/2 में आपको 6 पिन्स होते हैं, और PS/2 आपको गोला होता है। यूएसबी तो मुझे लगता है कि आप लोग देख रहे हो, अगर आपके पास चार्जर हो तो भी आप लोग देख रहे हैं। चलिए मैं PS/2 पोर्ट
या कीबोर्ड दोनों दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे जो कीबोर्ड दिख रहा है, ये जो कनेक्शन है आपको ये वाला दिख रहा है गोला वाला, ये हमारा क्या है पीएस बाई टू है, ठीक है। और इस ये पीएस बाई टू है, माउस में भी आपको पीएस बाई टू पोर्ट आता था, अब पीएस बाई टू नहीं आता है, अब ज़्यादातर यूएसबी कीबोर्ड होता है। तो पीएस बाई टू पोर्ट मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, क्योंकि कीबोर्ड तो आपका सेम है, कीबोर्ड आपने देख लिया है। ये जो पोर्ट है ये पीएस बाई टू पोर्ट है ये वाला, इसमें आप देखो दो दो चार दो छः, छः ही मैंने कहा कि छः पिन होते हैं तो छः पिन का है ये। आपको कैबिनेट का पीछे का ये वाला इमेज है इस वक्त, जहाँ की आपको माउस में कौन सा पीएस बाई टू घुसेगा, कीबोर्ड में कौन सा पीएस बाई टू घुसेगा वो बताया हुआ है, ठीक है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये पीएस बाई टू यूएसबी एडेप्टर है, मतलब ये जो यूएसबी है आपकी कीबोर्ड में सॉरी कंप्यूटर में घुसेगा, और ये जो पीएस बाई टू है ये आपके किस में घुसेगा, कीबोर्ड या माउस में आप घुसाओगे इसको, ठीक है, अटैच करोगे। मैंने कहा था सिक्स पिन्स होते हैं, यहाँ सिक्स पिन्स आपको काउंट करके बताया भी है। चलिए पीएस बाई टू पोर्ट आपने देख लिया, अब यूएसबी पोर्ट को भी देख लें थोड़ा सा। यूएसबी पोर्ट तो आपको यहाँ पे देख रहा है ये वाला, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से दिखा दूं कि इसमें फोर पिन्स होते हैं यूएसबी पोर्ट में, ठीक है। जनरली ये देखिए ये जो यूएसबी पोर्ट्स हैं ये सारे क्या हैं, यूएसबी पोर्ट्स हैं। तो ये देखिए ये अच्छा से दिख रहा है, इसमें आपको यूएसबी पोर्ट यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है यूएसबी पोर्ट है। जब भी आप इसके अंदर वाले पिन को गिनोगे ना जो ऑरेंज कलर में, तो वो फोर पिन्स का होता है, ठीक है, वो फोर पिन्स का होता है यूएसबी पोर्ट। उसके बाद हमारे पास टोटल वायरलेस कीबोर्ड मैं आपको दिखा दूँ, वायरलेस। ये तो अभी हमने वायर्ड कीबोर्ड दिखाया, आपको वायरलेस कीबोर्ड भी दिखा दूँ इमेजेस। वायरलेस कीबोर्ड का ये इमेजेस है जिसमें कि किसी तरह का कोई भी वायर नहीं अटैच निकला हुआ रहता है, ठीक है। ये जो रिसीवर के साथ है, ये यहाँ पे हमारा रिसीवर है ये वाला, ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है रिसीवर है, ठीक है। कीबोर्ड रिसीवर से चल रहा है ये, ठीक है, इसमें भी आपको रिसीवर देखने को मिल रहा है ये। मैं आपको रिसीवर को एक बार अच्छे से दिखा दूं, ये जो है रिसीवर है, और इसमें आपको किसी तरह का कोई भी क्या कहते हैं कोई भी आपको वायर नहीं निकला हुआ है। आप देख लो इस माउस में भी आपको कोई वायर नहीं निकला हुआ है, ठीक है, माउस में भी कोई आपको वायर नहीं निकला हुआ है। दैट इज कॉल्ड व्हाट वायरलेस कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के टाइप्स के बाद है हमारे पास व्हाट, कीबोर्ड के टाइप्स के बाद हमारा क्या है कि मैंने कहा था कि आईपीओ साइकिल भी बताऊंगा और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी बताऊंगा। तो चलो आईपीओ साइकिल बताऊं, आईपीओ ठीक है, इसको नीचे कंट्रोल प्लस बी, आईपीओ साइकिल। ये आपका कोई नॉर्मल साइकिल नहीं है जो आप चलाते हो, ये साइकिल जो है वर्किंग साइकिल है ऑफ द कंप्यूटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग साइकिल ऑफ द कंप्यूटर, वर्किंग साइकिल ऑफ द कंप्यूटर, जिस पे कंप्यूटर आपका काम करता है, ठीक है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है, आईपीओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है। इसमें क्या होता है आईपीओ साइकिल में कि हम पहले क्या करवाते हैं, पहले हम इनपुट कराते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको आईपीओ काम कैसे करता है एक ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताता हूं। पहले हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, उसके बाद इनपुट देने के बाद हम क्या उसको करवाते हैं प्रोसेस,
ठीक है, प्रोसेस करवाते हैं। प्रोसेस करवाने के बाद हम क्या करवाते हैं उसको, आउट, हमें आउटपुट चाहिए होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, आउटपुट चाहिए होता है। और आउटपुट हमें कहाँ से मिलता है, मॉनिटर या प्रिंटर या स्पीकर, स्पीकर से हमें आउटपुट मिलता है। प्रोसेस कहाँ पे होता है, ठीक है, तो प्रोसेस कहाँ पे होता है, हमारा प्रोसेस आपको कंट्रोल यूनिट या फिर चलिए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मिलकर एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाता है, जिस जहाँ की हमारा कुछ भी प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस में हमारे पास एक स्टोरेज भी होता है, जहाँ की एक स्टोरेज यूनिट भी होता है जहाँ की हम स्टोर करते हैं। और इनपुट हम किस किस आइटम से करवाते हैं, इनपुट हम करवाते हैं कीबोर्ड से, माउस से, उसके बाद जॉयस्टिक है, ठीक है, जॉयस्टिक से की इनपुट करवा रहे हैं, माइक्रोफोन से इनपुट करवा रहे हैं, स्कैनर से इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे चीज़ें जिससे हम इनपुट करवाते हैं, वेब कैमरा हो गया जो कि आपका इनपुट डिवाइस है, क्या तो ये बहुत सारे चीज़ हैं। तो मैं इसका कलर, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे इसका ये वाला कलर पसंद आ रहा। तो इस तरह से हमें पहले हम इनपुट कराएं, प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमें क्या मिला, आउटपुट। तो आउटपुट हमें ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस यही है हमारा आईपीओ साइकिल। अब मैं समझाता हूँ कि काम कैसे कर रहा है। इनपुट यूनिट आपको क्या करता है कि जो भी आपका पेरिफेरल डिवाइस है, इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, उससे डाटा और इंस्ट्रक्शन जो यूजर दे रहा है इनपुट लेता है, फिर वो एक स्टोरेज यूनिट में जाता है, वहां जाके वो डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, बोलेगा कि सर ने तो डायग्राम में स्टोरेज यूनिट बनाया ही नहीं है। अरे भैया सुन लो पहले मेरी बात, उसके बाद सुन लेना, मैं आपको ग्राफ दिखा दूंगा स्टोरेज यूनिट का भी। ठीक है, अभी क्या है, स्टोरेज यूनिट दो पार्ट में हो गया, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। अगेन क्वेश्चन आपके माइंड में इस वक्त ये आ रहा होगा कि प्राइमरी स्टोरेज क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है। तो फ्रेंड चिंता मत करो, आगे भी बताऊंगा अभी अभी। फिर आगे चलो, आपके पास सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू क्या है, ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, यही है हमारा क्या, सीपीयू। दिस इज कॉल्ड व्हाट, सीपीयू। ये क्या है हमारा, सीपीयू, यार मैं लिख दूं क्या, सीपीयू। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, आउटपुट। आउटपुट में हमें इसको हम लोग आउटपुट यूनिट कहते हैं। अब जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ये क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है डाटा में, जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया प्रोसेस करने के लिए, वो पहले कहाँ जाएगा, स्टोरेज यूनिट से आपको डाटा, आपको क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपने डाटा कुछ इस तरह से दिया, अगर आपने डाटा कुछ इस तरह का दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर ठीक है, अगर आपने डाटा कुछ इस तरह का दिया है, टू लिख के दे दिया, तो वो क्या करेगा कि आपको सिर्फ टू प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, लेकिन वही आपने अगर उसको टू प्लस
फोर करके दे दिया और कहा बेटा बताओ मेरे को 2+4 क्या होता है। तो फिर वो क्या बोलेगा कि भैया रुको, अभी हमको कहाँ जाना होगा, ALU के पास जाना होगा। ALU मेरे को बताएगा, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हमको बताएगा कि इसमें आपने क्या दिया है। अब वो जैसे ही ALU के पास जाएगा तो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट पकड़ लेगा कि ये क्या है, मेरा एडिशन है, एडिशन है, ये एडिशन है। और ये क्या है, दो नंबर्स हैं जिसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, ये ऐड करना है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ऐड करना है। तो 2+4 = what, वो रिजल्ट क्या देगा, 6। और ये 6 फिर कहाँ जाएगा, आपका स्टोरेज यूनिट में, कहाँ जाएगा, स्टोरेज यूनिट में। और स्टोरेज यूनिट से फिर कहाँ जाएगा, ये सीधा लेके आएगा आउटपुट यूनिट में। और ये जो आउटपुट यूनिट है, ये आउटपुट यूनिट मेरे को क्या बताएगा, ये आउटपुट यूनिट मेरे को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है, ये आउटपुट यूनिट मेरे को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा 6 रिजल्ट। अब वही अगर हम क्वेश्चन फिर अगेन इसको इंटर करवाएं, ये तो अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो गया, अगर अभी हम उसको फिर एक क्वेश्चन इंटर करें कि भैया मेरे को 2 = 4, ठीक है, हो सकता है क्या। तो अब वो फिर बोलेगा कि अच्छा भैया रुको, मैं जाता हूं अगेन ALU के पास। किसके पास जाएगा वो, ALU के पास पहले जाएगा। और ALU बोलेगा अच्छा भैया ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, ये तो लॉजिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, ये सारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन है। अच्छा तो ये बोलेगा क्या, अच्छा ये तो लॉजिकल ऑपरेशन है, तो इस लॉजिकल ऑपरेशन को हम वो चेक करेगा, बोलेगा 2 = 4, नहीं 2 = not equals to 4। तो ये आपको फिर क्या करेगा, यहां से वो यहां से आएगा आउटपुट यूनिट को बोलेगा कि बेटा दिखा दो उनको कि 2 = not equals to 4, ठीक है। आपको फिर अगर आप डालते हैं क्या, अगर आप फिर डालोगे 2 = 2, तो वो बोलेगा यस दिस इज राइट, वो फिर से वो सेम स्टेप दोहराएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे पास टाइम हम ज्यादा एक्सीड कर चुके हैं, इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि हम हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे होगा, ठीक है। और एक बार मैं आपको IPO साइकिल शो करना चाहूंगा लास्ट लास्ट जाते जाते कि IPO साइकिल होता कैसा है, ठीक है। आपको मैं IPO साइकिल शो कर दूं, वो IPO साइकिल, चलिए यहाँ डायग्राम आ गया, ये देखिए IPO साइकिल का डायग्राम। हमने कहा कि इनपुट करवाया हमने माउस से और कीबोर्ड से, उसके बाद ये कहाँ चला गया, सीपीयू में, सीपीयू के मेमोरी में गया पहले, उसके बाद फिर कंट्रोल यूनिट उसको चेक किया, उसके बाद कंट्रोल यूनिट चेक करने के बाद ALU के पास गया, अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो ALU के पास जाएगा, अदरवाइज ये कंट्रोल यूनिट से अगेन मेमोरी में जाएगा और आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। ALU में आएगा तभी अगर वो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, लॉजिकल ऑपरेशन होगा तो आएगा ALU में, ठीक है। उसके बाद वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा और फिर मेमोरी में चला जाएगा, मेमोरी में जाने के बाद वो फिर आउटपुट में दिखाएगा, आउटपुट आपको रिजल्ट शो कर देगा जो भी आपने करवाया। ये आपको IPO साइकिल है आपके किसका, कंप्यूटर का। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे होगा, बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये चार तरह का कंप्यूटर है, ठीक है। ये चार तरह का कंप्यूटर के बारे में हमें जानना है। उसके बाद कंप्यूटर को हम अलग अलग डिवाइसेज में भी डिवाइड करते हैं, जिसमें कि हम लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप और सर्वर भी रखते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलते रहे, ठीक है। चलिए तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक
करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू लास्ट, थैंक यू।